हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखावयासशर्मा। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ स्किन केयर की। जी हाँ, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स चल रहे हैं, फेस्टिवल्स के बाद वेडिंग्स आ जाएंगे, वेडिंग्स के बाद अगेन क्रिसमस वगैरह सब कुछ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम स्किन केयर तो प्रॉपर कर लेते हैं, पर उसके बाद हम मेकअप करते हैं, और फिर जब हम मेकअप रिमूव करते हैं थक थक आके फेस्टिवल्स पे, तो एक छोटा सा बेसिक सा स्किन केयर हमारे फेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम वो स्किन केयर को स्किप करें तो अगले दिन हमारी स्किन अजीब सी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। हम प्रॉपर स्किन जो मेकअप होता है वो रिमूव कर देते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं कोई पार्टिकल रह जाते हैं। तो एवरी मेकअप रिमूव करने के बाद एक छोटा सा स्किन केयर ना हमारे फेस हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी यूजिंग ओनली 2 प्रोडक्ट। जी हाँ, क्योंकि इन 2 प्रोडक्ट्स को अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो आप एक 10 से 15 मिनट में अपना एक प्रॉपर स्किन केयर कर लेते हैं। उसके बाद एक अच्छी सी नाइट क्रीम अप्लाई करें और सो जाएं, रात को रेस्ट करें, आपकी स्किन को भी रेस्ट करने दें, ब्रीथ करने दें। तो चलिए हम हमारे स्किन केयर की तरफ एंड डेमो की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और सबसे पहले मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ गुड वाइब्स का जेल स्क्रब। जी हाँ, क्योंकि ये एक साथ 2 प्रोडक्ट का काम करता है, जेल मसाज का भी और स्क्रबिंग का भी काम करता है, इसलिए मैं इसे अपने ऑल ओवर फेस और नेक पर लगा लूँगी और हाथों में पानी को रब कर और इससे अपने फेस पर जेंटली मसाज करूँगी। सो इसको ज़्यादा रगड़ना नहीं है, आपको धीरे धीरे आराम से जेंटली अपने फेस पर मसाज करनी है, ताकि आपके फेस को ये अच्छे से क्लीन भी कर ले, मॉइस्चर भी बना के रखे और की स्किन को अच्छे से केयर मिल जाए और नरिशमेंट भी मिल जाए। तो यहाँ पर इस तरह से आप बताए हुए तरीके से फेस को मसाज करें। और अब इसको मैं मसाज करने के बाद अपना फेस फिर से पानी से वॉश कर लूँगी। अब मैं यहाँ सेकंड प्रोडक्ट ले रही हूँ गुड वाइब्स का ग्रीन टी फेस पैक, और इतना जो अमाउंट है वो मेरे फेस के लिए इनफ होगा। तो इतना अमाउंट आप अपने भी फेस पर लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे धीरे धीरे अप्लाई कर रही हूँ और इसको ऑल ओवर फेस पर अपने आईज़ और आईब्रो पार्ट को और लिप्स को छोड़कर आपको इसे अप्लाई करना है। इसका इंडिविजुअल डेमो भी मैंने अपने चैनल पर दिया है, आप चाहें तो वहाँ चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो में भी कंटिन्यू देख सकते हैं कि इसे किस तरह से अप्लाई करना है। और किसी भी फेस पैक को लगाने के बाद फुल ड्राई नहीं होने देना चाहिए, आप उसको हल्का सा लास्ट में जब पूरा ड्राई होने वाला हो उससे पहले ही अच्छे से वॉश कर लें, तो उससे फेस का मॉइस्चर भी बना रहता है और स्किन केयर भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर दूंगी। और इसकी फ्रेगनेंस, इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आया है और इसकी बड़ी पैकेजिंग भी मैं बहुत जल्दी लेने वाली हूँ। तो बस इस तरह से मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, तो आप भी इसे इस तरह से अप्लाई कर लें। और अब मैं इसे सूखने के लिए, थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फेस पैक को पूरा ड्राई नहीं होने दिया है और मैं इसे अब वॉश कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं इसने मेरे फेस पर बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट दिया है। तो गाइज, देखा आपने कि किस तरह से मैंने सिर्फ 2 प्रोडक्ट से अपना इंस्टेंट स्किन केयर कर दिया है। तो मैं अक्सर ये स्किन केयर फॉलो करती हूँ, स्पेशली जब बिजी फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक दिवाली होती है, होली होती है, या फिर कोई भी अनादर ऐसा फेस्टिवल जिसमें मुझे फटाफट से मेकअप के बाद इंस्टेंट स्किन केयर करना होता है। तो मैं स्क्रब जेल को लेकर अपने फेस पर हल्का सा मसाज करती हूँ 5 से 10 मिनट, उसके बाद फेस पैक अप्लाई करती हूँ, उसके बाद फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या नाइट क्रीम या कुछ भी जेल मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सूट होता हो वो लगा के आप जब रात को सो जाते हैं, तो वो आपकी स्किन पर काफ़ी अच्छे से वर्क करती है और आपकी स्किन ना लॉन्ग टाइम थोड़ा सा हील रहती है, या फिर अगले दिन भी आपको मेकअप करना हो तो उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाती है। तो आई होप आपको ये छोटा सा स्किन केयर वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें। एंड गुड बाय एंड हैप्पी फेस्टिवल्स।